गाइज, एस वी नो प्रो राइडर 1000 AKA अगस्त्य चौहान की यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। गाइज, इस वीडियो में प्रो राइडर एक्सीडेंट से रिलेटेड काफी सारी अपडेट्स हैं, जिनमें हम बात करने वाले हैं असल में हुआ क्या था वहां पर और ये फेक न्यूज फैलाने वाले कौन लोग हैं और आमिर माजिद जो कि प्रो राइडर के साथ थे तो उनके होते हुए ये घटना हुई कैसे और वहां पर ऐसे कौन से एविडेंस और विटनेस थे जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ये एक्सीडेंट किया किसने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था तो काफी सारे यूट्यूबर्स एंड न्यूज चैनल्स फेक न्यूज फैला रहे थे कि प्रो राइडर की बाइक 300 की स्पीड पर थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो ड्रेगर Z900 जो कि प्रो राइडर के दोस्त हैं, वो प्रो राइडर के फादर से मिले और कई सारी बातों से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि कई सारे यूट्यूबर्स इसे ओवर स्पीडिंग का केस बता रहे हैं, जबकि ये एक हिट एंड रन केस है। बिकॉज अगर बाइक 300 की स्पीड से क्रैश होती तो बाइक में कुछ भी नहीं बचता, जबकि बाइक में आगे से राइट वाला हिस्सा ही डैमेज हुआ है और बाइक के टायर फट गए थे। और साथ ही उन्होंने कार्तिक कस्टम्स नाम के एक यूट्यूबर पे एलिगेशन लगाया है कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं और राइडर कम्युनिटी के नाम पे प्रो राइडर को बदनाम कर रहे हैं। गाइज, अगर तुम किसी के मरने पर अपने चैनल को दोबारा सही करने का सोच रहे हो, और वो भी देखो उसको इतना पता था, देखिए उसको मरे हुए 4 घंटे में नहीं हुए, ठीक है। और अगस्त्य के पापा ने मुझे एक शॉट भेजी जिसमें इस कार्तिक कस्टम ने मजाक बना रखा है बिल्कुल भाई का। वो मतलब उसका कहना ये था कि ये तो ऐसा था ही, इसके साथ ऐसा ही होना था। साथ ही वो बताया कि एक ट्रक ड्राइवर विटनेस भी था जिसने एक्सीडेंट पॉइंट से आगे टोल प्लाजा पर सारा इंसिडेंट बताया। सो गाइस, हमें ट्रक वाले से तो ये सुनने को मिला है जो टोल पर आगे गया था, जिसने बताई थी चीजें, कि उसने ये बताया कि दो बाइक्स थी, एक व्हाइट कलर की एक ग्रीन कलर की, ज्यादा स्पीड में नहीं थी, सिर्फ 100 की स्पीड पे थी, जो कि हाईवे पे ही स्पीड लिमिट आपकी 120 के ऊपर है, शायद 120 है, तो मतलब स्पीड लिमिट के अंदर थी, ट्रक वाले ने साफ साफ बताया। उसके बाद उस ट्रक वाले ने बोला कि आपस में दोनों का कुछ हुआ एंड ग्रीन वाली बाइक का बैलेंस बिगड़ा। सो इससे एक चीज तो क्लियर होती है गाइस कि ये चीज सच है, पर शायद पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका बिगड़ा है तो जो भैया का हेलमेट टूटा है वो कम से कम, सच बता रहा हूँ, 20-30 टन वजन पड़ेगा तभी इतना महंगा हेलमेट टूटता है गाइस, वो किसी नॉर्मल चीज से नहीं टूट सकता। भैया की बॉडी पर और कहीं भी कोई भी चोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेलमेट टूटा है, उसकी वजह से सिर्फ दब गया था ये वाला एरिया पूरा अंदर को, सिर्फ ये हुआ है। तो जैसा कि प्रो राइडर मोटो व्लॉगिंग कर रहे थे तो उनके फ्रेंड ने बताया कि जब वो राइड पर निकले थे तो उनके पास कई सारे कैमरे थे, जिसमें 2 GoPro और 1 360 कैमरा था, और जब पुलिस को डेड बॉडी मिली तब उनके पास सिर्फ 1 बंद कैमरा मिला और बाकी 2 कैमरे गायब थे। जिस भी आदमी पर वो कैमरा है, हमें आपसे कैमरा नहीं चाहिए, हमें आपको आगे नहीं लाना, हमें कुछ भी आपको चोर नहीं ठहराना, कुछ नहीं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। उनके पापा की बस ये रिक्वेस्ट है कि आप फेक आईडी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, आप कैसे करके वो क्लिप हमारे तक भेज दो जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि उसको किसने टक्कर मारी। और अब बात करते हैं आमिर माजिद के बारे में। तो जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था आमिर माजिद प्रो राइडर के साथ ही थे, तो सभी लोग ये बोल रहे थे कि तुम दोनों के बीच में ही कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। सो रिसेंटली आमिर माजिद ने अपने वीडियो में पूरा किस्सा बताया और साथ ही उन्होंने अपनी बाइक भी दिखाई कि अगर उनका झगड़ा हुआ होता और उन्होंने अपनी बाइक से हिट किया होता तो कुछ तो स्क्रैच उनके बाइक पे भी होता, बट उन्होंने जैसा कि वीडियो में दिखाया बाइक बिल्कुल ही सही थी। साथ ही वो अपने वीडियो में इंसिडेंट का अपना वाला वर्जन बताए। और अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं एविडेंस के बारे में, जो कि है एक सीसीटीवी कैमरा जो कि एक्सीडेंट वाली जगह से 50 मीटर आगे लगा हुआ था। तो पुलिस उस कैमरे की फुटेजेस निकलवा रही है और अब उसी फुटेज के आने का इंतजार है, जिसके बाद ये पता चल जाएगा कि ये एक्सीडेंट किसने किया था। और आगे अगर कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और हाँ भाई, याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।